हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने दो दो प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया था। फर्स्ट प्रॉब्लम थी हमारे पास जिसमें आपको ग्राफ गिवन होगा, ठीक है। तो हमने उससे नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करनी है या टाइप ऑफ पॉलीनोमियल बताना है। और सेकंड प्रॉब्लम ने हमने किया था कि आपने एक पॉलीनोमियल इक्वेशन पॉलीनोमियल बनानी है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फॉर्म करनी है, और उसमें आपको जीरोस गिवन होंगे, दो जीरोस गिवन होंगे। तो हमने क्या किया था उसमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करके हमने पॉलीनोमियल इक्वेशन बनाई थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हम करेंगे उसमें आपने क्या करना है, आपने एक पॉलीनोमियल आपको गिवन होगी, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल गिवन होगी, हमने उसका सोल्यूशन फाइंड करना, मीन्स उसका उसके नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करनी है कि कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं और नंबर ऑफ जीरोस जो हैं वो कौन कौन सी जीरोस हैं वो फाइंड करना है। सो फाइंड प्रॉब्लम नंबर थ्री, फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स माइनस एट। तो इसमें हमने नंबर ऑफ इसकी जीरोस फाइंड करनी है। तो इसको मान लेते हैं पी एक्स, दिस इज अ पॉलिनोमियल पी एक्स, एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स माइनस एट। अब जीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है पी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, दैट इज एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स माइनस एट इज इक्वल्स टू जीरो। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, अब तो क्योंकि इक्वल टू जीरो लिख लिया हमने, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने प्रीवियस क्लास में, नाइन्थ क्लास में हमने फैक्टराइजिंग मेथड किया था, इसका मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिट करके इसके फैक्टर्स बनाएंगे पहले। तो फैक्टर्स कैसे बनाते हैं, देखो यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट कितना है इसका, वन। तो वन को माइनस एट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वन को और माइनस एट को मल्टीप्लाई कर किया तो मेरे पास रिजल्ट आया माइनस एट। और जो मिडिल टर्म है उसको ऐसे स्प्लिट करेंगे दो पार्ट्स में, ठीक है, ताकि उन दोनों का सम करने पे माइनस टू रहे और उन दोनों का प्रोडक्ट करने पे हमारे पास माइनस एट आए। तो हमें पता है फोर और टू ये दो नंबर्स हैं, फोर एंड टू, जब फोर और टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट एट आएगा, और फोर और टू को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट टू आएगा। तो अब देखो यहाँ पे माइनस है तो यानी कि हमने माइनस का फोर लेना है और प्लस का टू लेंगे, क्योंकि माइनस फोर मल्टीप्लाई टू माइनस एट, माइनस फोर प्लस टू माइनस का टू, तो हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट इज इक्वल्स टू जीरो। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से जो कॉमन फैक्टर आएगा वो हम कॉमन ले लेते हैं, एक्स कॉमन, एक्स माइनस फोर प्लस, और लास्ट वाले टू टर्म्स में से जो कॉमन फैक्टर डेट इज टू एक्स माइनस फोर इज इक्वल्स टू जीरो। तो अब इन दोनों में से देखो कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस फोर कॉमन एंड x प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए इसके। अब इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल्स टू जीरो है, इसका मतलब आइदर दिस फैक्टर इज इक्वल्स टू जीरो और दिस फैक्टर इज इक्वल्स टू जीरो। तो हम पहले तो x माइनस फोर इज इक्वल्स टू जीरो करेंगे, और जो दूसरा फैक्टर है दैट इज एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो करेंगे। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी मेरे पास फोर और एक्स की वैल्यू आएगी माइनस टू। सो दीज आर दी जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। अब हमने वेरीफाई करना है कि हमारा जो रिजल्ट है वो ट्रू है या नहीं। तो वेरीफिकेशन के लिए मेरे पास जीरोस जो हैं दैट इज अल्फा इज इक्वल्स टू फोर एंड बीटा इज इक्वल्स टू माइनस टू, दीज आर जीरोस।
क्लियर। और जो मेरे पास पॉलिनोमियल थी दैट इज एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स माइनस एट, दिस इज माई पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे ए, व्हाट इज ए, दिस इज वन, बी माइनस टू और सी माइनस एट, बिकॉज जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है दैट इज ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर, तो हमने कंपेयर किया तो मेरे पास ए की वैल्यू यहाँ पे वन है, बी की वैल्यू माइनस टू है और सी की वैल्यू माइनस एट है। तो हमको पता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आना चाहिए और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि हमने ये रिलेशन पढ़ा हुआ है रूट्स और कोफिशियंट का रिलेशन। तो वहाँ से वेरीफाई करेंगे अल्फा कितना है फोर, बीटा कितना है माइनस टू, माइनस बी हमारे पास कितना है माइनस टू और ए कितना है वन। सो फोर प्लस माइनस माइनस टू, माइनस माइनस प्लस टू अपॉन वन, फोर माइनस टू इज इक्वल्स टू टू। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए, तो यानी कि ये वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट प्रोडक्ट का वेरीफाई करते हैं, अल्फा मेरे पास कितना है, अल्फा इज फोर एंड बीटा इज माइनस टू एंड सी है मेरे पास माइनस एट और ए है मेरे पास वन। सो फोर इंटू माइनस टू माइनस एट इज इक्वल्स टू माइनस एट, तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है हमारे पास इक्वल आ गया। तो यहाँ से ये वेरीफाई हो गया, जो दो रूट निकाले हमने दोनों रूट वो सही है और हमने वेरीफिकेशन की कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो ऐसे ही आप और भी बाकी प्रॉब्लम्स को ट्राई कर सकते हो, एनसीईआरटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो मिडल टर्म स्प्लिट करना है हमने, उसके बाद हर फैक्टर को इक्वल्स टू जीरो करके हमने अल्फा और बीटा निकाल लेना है। अब वेरीफाई कैसे करना है, अल्फा बीटा गिवन होगा, ए बी सी गिवन होगा, अल्फा और बीटा को ऐड करो, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल रखो, अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करो और सी अपॉन ए के इक्वल रखो। जब दोनों साइड इक्वल आ जाए तो इसका मतलब हमारा जो रिजल्ट है वो ट्रू है। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फोर्थ, एक और प्रॉब्लम करते हैं इसी टाइप का, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय द, ये सिंपली वेरीफाई द रिजल्ट। ओके, सो प्रॉब्लम है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 7 बाय 2x प्लस 3 बाय 4, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है और जो इसके कोफिशियंट्स हैं वो रैशनल कोफिशियंट्स हैं। हमने अब इसको सॉल्व करना है, तो पहले तो इसको हम मान लेंगे पी एक्स के इक्वल, सो दिस इज अवर पी एक्स। अब जीरो फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, सिंपली पी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 7 बाय 2x प्लस 3 बाय 4 इज इक्वल्स टू जीरो। अब इन सब का हम पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम इज 4, अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8x स्क्वायर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14x और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। ये आपको पता है, जब ये इधर जाएगा तो ये जीरो होगा, 8x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 3 इज इक्वल्स टू जीरो। अब 8 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास रिजल्ट आया 24, ठीक है। अब मिडल टर्म को हमने ऐसे स्प्लिट करना है ताकि उन दोनों का मल्टीप्लाई करके 24 आए और ऐड करके वो 14 के इक्वल आए। तो कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं वो देखते हैं, पहले 24 के हम फैक्टर्स बनाएंगे। क्लियर, तो देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, 2 मल्टीप्लाई 12। जब 2 मल्टीप्लाई 12 किया तो हमारे पास रिजल्ट 24 आया, और 2 और 12 को जब प्लस किया
तो मेरे पास रिजल्ट 14 आया। तो यानी कि जो 14x है उसके जो दो दो पार्ट्स बनेंगे वो कौन से होंगे, 8x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 12x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, मीन्स दिस इज 14x। क्लियर। अब देखो पहले दो टर्म्स में से जो कॉमन आएगा फैक्टर डेट इज 2 एंड x, तो ये यहाँ पे मेरे पास आया 4x प्लस 1, और इनमें से जो फैक्टर कॉमन आएगा दैट इज 3, तो यहाँ पे आएगा 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब देखो 4x प्लस 1 4x प्लस 1 दोनों में से कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे आएगा 4x प्लस 1 और 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो आइदर दिस फैक्टर इज इक्वल्स टू 0 और दिस फैक्टर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 4x इज इक्वल्स टू माइनस 1, x इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 4, 2x इज इक्वल्स टू माइनस 3, x इज इक्वल्स टू माइनस 3 बाय 2। सो दीज आर दी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 4 एंड बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 3 बाय 2। तो यहाँ से अल्फा और बीटा हमने निकाल लिया और पॉलिनोमियल हमारे पास थी 2x स्क्वायर प्लस 7 बाय 2x प्लस 3 बाय 4। इट मीन्स यहाँ पे a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 7 बाय 2 और c की वैल्यू 3 बाय 4। तो यहाँ से हम वेरीफाई करेंगे कि हमारा जो रिजल्ट है वो सही है या नहीं। सो सम ऑफ जीरोज दैट इज माइनस b अपॉन a, सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a, अल्फा इज माइनस 1 बाय 4 एंड बीटा इज माइनस 3 बाय 2 माइनस b, व्हाट इज b माइनस सॉरी 7 बाय 2 एंड व्हाट इज a, a इज 2। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा मेरे पास 4 माइनस 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस 6 माइनस 7 बाय 2 मल्टीप्लाई टू 4। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 2s are 4 माइनस 10 सॉरी यहाँ पे हमारे पास 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 माइनस 7 ओवर 4 माइनस 7 ओवर 4। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, अल्फा मेरे पास है माइनस 1 बाय 4 और बीटा है हमारे पास माइनस 3 बाय 2, सी है हमारे पास 3 बाय 4 एंड ए हमारे पास है 2। तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा माइनस माइनस प्लस 3 बाय 8 एंड 3 बाय 4 नीचे जाएगा 8, 3 बाय 8 इज इक्वल्स टू 3 बाय 8। तो यहाँ से वेरीफाई हो गया हमारा रिजल्ट। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम और प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।